ओके, गुड मॉर्निंग। और कल रात से ही आपने ये न्यूज़ हर जगह देख ली होगी अगर आप अपडेटेड रहते हो तो। बीपीएससी का जो एग्ज़ाम, बीपीएससी 70th का जो एग्ज़ाम 17 नवंबर को होने वाला था, उसकी डेट चेंज की खबर आ रही है। ये जो कटआउट है, ये एक ऑफिशियल लेटर की तरह देखा जा रहा है जो कि भेजा गया है डीएम्स वगैरह को, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं। इसमें डेट चेंज की भी बात है और भी बातें हैं, तो ये कटआउट इंटरनेट से मैंने डाउनलोड कर लिया है और इसके बारे में सारी बातें करेंगे और नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए किसी भी एग्जामिनी का। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर इस लेटर की ऑफिशियलिटी की बात करें तो देखो, एक नज़र में देखने से तो ये असली ही लग रहा है। ठीक है, उसके क्या रीजंस हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से भाई सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड है और इसी तरह का, मतलब सारे लेटर नंबर और ये सब डेट वाइज स्टैम्प पैड पे ऊपर ये सिंबल है ना, इसी तरह का रहता है। और जिस तरह से ये प्रेषक सेवा में आपने बचपन में लेटर्स वगैरह लिखे होंगे, तो मतलब ये सब कुछ बहुत ही असली लुक दे रहा है। ठीक है, आप कोई कोई लेटर देखोगे तो उसमें बॉटम कॉर्नर पे यहाँ सिग्नेचर भी विजिबल हो रहा है। इस वाले वेरिएंट में ये जो डाउनलोड हुआ है, खैर इसमें ये सिग्नेचर वाला पार्ट कटा हुआ है, लेकिन अगर आप वहाँ भी देखोगे तो स्टैम्प पैड बस नहीं दिख रहा है। यूजुअली स्टैम्प करते हैं ऑफिशियल लेटर्स को, लेकिन सिग्नेचर लुक आ रहा है, तो आप वो एक बार देख सकते हो अगर आपको ज़्यादा ही कंफर्मेशन चाहिए तो। खैर, सबसे पहले इसमें क्या है कि ये सारे ही जिलों का नाम लिखा हुआ है। जिला अधिकारी मतलब आपको पता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएम, और पटना, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, ये सारे बिहार के अलग अलग जिले हैं। दिनांक 7/10/2024, डेट डेट 7/10 की, मतलब कल की ही डेट है, फ्रेश डेट है। इसमें विषय क्या है, मतलब सब्जेक्ट, ये लेटर क्यों लिखा गया है, तो 70वीं जो बीपीएससी की परीक्षा है उसमें क्या क्या व्यवस्था चाहिए। ठीक है, 70th संयुक्त प्रारंभिक मतलब प्री। ठीक है, प्रसंग पत्रांक 2412, दिनांक 26/9/2024। 26 सितंबर को अगर आपको याद होगा तो 28 सितंबर को बीपीएससी का ऑफिशियल ये आ गया था, फॉर्म भरने का सारा नोटिफिकेशन वगैरह। तो ये शायद हो सकता है कि 2412 नंबर यहाँ पे जो है उस नंबर का आया हो वो नोटिफिकेशन सबके पास, तो उसको रेफरेंस करने बोल रहे हैं कि भाई मैंने एक 2412 पत्रांक दिनांक ये को भेजा था, उसको रेफर भी कर लेना और उसके आगे का ये कंटिन्यूएशन है। क्लियर है? अब देखते हैं कि कहना ये है कि, मतलब ये कहना चाह रहे हैं, 17/11/2024 को संभावित थी ये परीक्षा। ठीक है, यानी 17 नवंबर को संभावित थी, परंतु अपरिहार्य कारणवश परीक्षा की नहीं देती। इसका मतलब क्या होता है, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, या ऐसे आपको याद होगा, आप जब कोई भी लीव लेटर वगैरह, लीव एप्लीकेशन लिखते थे तो उसमें ऐसे लिखते रहते थे आउट ऑफ स्टेशन या अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस वगैरह, तो वही है ये। तो नई तिथि मतलब न्यू डेट क्या प्रपोज किया गया है, 13/12/2024 यानी 13 दिसंबर 2024 एवं 14/12/2024। तो ऐसा हो सकता है कि सिंगल डेट नहीं करा के ये दो पार्ट में, देखो ये सिंपली क्यों हो रहा है ना, अगर आप इसको सिंपल समझो, इतने पेपर लीक हुए हैं, इतने पेपर लीक हुए हैं और इतनी बदनामी होती है गवर्नमेंट्स की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या वो स्टेट गवर्नमेंट हो। ठीक है, अब जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, वो हाल में गिर भी गए थे कहीं पर, तो उनकी बहुत मुश्किल से सरकार बच पाई है और वो अब सेंटर में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, है ना, उनके सारे सपोर्ट में है सेंट्रल के, गवर्नमेंट के, तो वो अब नहीं चाहते दोनों पार्टी में से कोई भी कि और भी बेइज्जती हो। ठीक है, नहीं तो जो अपोजिशन के हैं बिहार में लीडर, आरजेडी पार्टी के लालू यादव के बेटे, वो फिर हमलावर हो जाएंगे। तो ये मेन रहता है इनका, यूपी में भी अभी आपने देखा होगा कि यूपी पीसीएस, मतलब यही बीपीएससी की जो यूपीएससी ब्रांच, यूपी की ब्रांच है बेसिकली, वो भी ऐसे ही कर रही है, एक के बाद एक डेट बढ़ाती जा रही है। क्यों? क्योंकि यूपी में इतने सारे पेपर लीक हुए हैं। ठीक है, इसका और कोई ये सीजन रीजन नहीं दिखता मुझे। तो ये दोनों न्यू डेट्स संभावित की जा रही हैं। इसके अलावा मतलब एस्टिमेट भी दे रहे हैं कि 7 से 8 लाख लोग शामिल होंगे, तो आप उस हिसाब से इंतजाम कीजिए। ये सारा इंतजाम करने का भी जो ठीकरा है वो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर ही रहता है। ठीक है, उसके बाद फर्दर इंस्ट्रक्शंस क्या है, ये बहुत सारे वीडियो में स्किप है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। बाउंड्री सही होनी चाहिए, मतलब आप जो स्कूल दे रहे हैं उसकी बाउंड्री, या जो एग्जामिनेशन सेंटर दे रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक बार जब 10th 12th की चीटिंग बहुत फेमस हुई थी, न्यूज़पेपर ने, मीडिया ने कवर किया था बिहार के अंदर, तो आपने देखा होगा कि वो छोटी बाउंड्री के ऊपर खड़े होकर भी चीटिंग करवा देते हैं। ठीक है, तो वो सही होना चाहिए। प्रकाश मतलब लाइट सही होनी चाहिए, रोशनी आनी चाहिए।
पानी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कोई से कोई प्यास लगे तो वो, आपने देखा होगा आजकल रो वाइज भी बॉटल्स रख देते हैं, पानी का इंतजाम कर देते हैं। बेंच डेस्क ये सब सही हालत में होना चाहिए। शौचालय इवन टॉयलेट्स जो हैं वो भी लेडीज के जेंट्स के दोनों के अलग अलग होने चाहिए। प्रत्येक कक्षा कक्षा में दीवार घड़ी यानी हर क्लासरूम में उनको एक वॉल क्लॉक चाहिए, उपलब्धता भी हो और अच्छी स्थिति में भी हो, ठीक है। साथ ही सभी परीक्षा केंद्र में आवागमन, आवागमन क्या होता है, मतलब टू एंड फ्रो जो आने जाने की व्यवस्था होगी, मतलब ऐसा नहीं कि रोड ही नहीं है, गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है ना, ये सब नहीं, आवागमन की सुविधा सुगम हो, इजी हो, कंफर्टेबल हो, ठीक है। आयोग के मापदंड मतलब जो वो सेट करती है उसके अनुसार सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों का, मतलब गवर्नमेंट और इवन प्राइवेट जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका सिलेक्शन करो, निजी महाविद्यालयों को छोड़कर प्राइवेट जो हैं उनको इग्नोर किया जा सकता है। चेकलिस्ट के आलोक में आवासन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, और चेकलिस्ट इनको कुछ मिली होगी, वो सब चेकलिस्ट क्लियर करो, सब चेक करो, है ना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और कि 3 फीट के बेंच पे सिर्फ एक इंसान बैठना चाहिए एग्जाम में, और 5 फीट के बेंच पे दो परीक्षार्थी मतलब एग्जाम जो देने आ रहे हैं बच्चे वो बैठेंगे। इसके बाद एक बेंच से दूसरे बेंच की दूरी भी 3 फीट की होनी चाहिए कम से कम। हमें देखा होगा एग्जामिनेशन हॉल में आगे पीछे बेंच करवाते रहते हैं, और यही सब लिमिट उन्होंने सेट की है, उनके हिसाब से काम करो। और ये सारी ग्रेडिंग की विधि है कि ए बी सी करके मार्क कर दो, और ये सब 18/10/2024 तक उपलब्ध कराया जाए। 18/10 मतलब 18 अक्टूबर, जो कि इनकी एग्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट भी है, वो भी इंक्रीज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। लेकिन अब आ जाते हैं कि किसको क्या करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहला तो जिसने फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म भर दो, एक तो बहुत सस्ता फॉर्म होता है, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि अगर एग्जामिनेशन एक्सटेंड नहीं हुआ तो आप नहीं भी जा सकते हो देने, वो तो आपके चॉइस पे है, लेकिन अगर एक्सटेंड होते गया तो आपके पास कम से कम और पढ़ के अच्छे से एग्जाम देने का मौका होगा, तो वो काम आप कर लो फॉर्म भरने का, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। और बताओ कि भाई इसके बारे में आप क्या सोचते हो, कि क्या इसी तरह से सब कुछ आगे पीछे होते रहना चाहिए या कुछ अच्छा सिस्टम डेवलप करना चाहिए लोगों को, क्योंकि पिछले बार इन्होंने बहुत ही ताव में बोला था, और ऑनलाइन ऑफलाइन न्यूज़ चैनल पर हर जगह कि हमने तो UPSC की तरह सिस्टम डेवलप कर लिया, अब हम जो डेट बोलेंगे उसी डेट को एग्ज़ाम होगी। 30 सितंबर बोला था इन्होंने, 30 सितंबर को तो खैर चलो कोर्ट केस वगैरह आरक्षण के ऊपर तो बढ़ गया डेट, लेकिन फिर 17 नवंबर को भी ये नहीं करवा पा रहे हैं इस लेटर के हिसाब में, और दिसंबर में भी कितना करवा पाते हैं कितना नहीं वो भी देखने वाली बात होगी। इतना ही रख रहे हैं, नेक्स्ट बाय।